दूसरा प्रॉब्लम है हमारा इंसेक्ट अटैक। आप अगर एएम आता है आपके घर पे, तो आज आप एक एएम में पढ़िएगा कि देर इज़ अ लोकस्ट अटैक। लोकस्ट दे आर अ टाइप ऑफ ग्रास ऑफर, और वो है ना खाना खा जाते हैं, और वो कुछ अफ्रीका से आए हुए हैं इस एशिया के साइड पे, और पंजाब हरियाणा वगैरह में जितने फील्ड्स है उस पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो यू कैन रीड द आर्टिकल टुडे इन एएम। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ई पेपर अवेलेबल है अहमदाबाद मिरर का, उसमें पढ़ सकते हैं ये आर्टिकल। सो बेसिकली ये जो इंसेक्ट होते हैं ना वो प्लांट खा जाते हैं, और खा जाते हैं तो मतलब हम लोगों का डिमांड कैसे कंप्लीट करेंगे, फार्मर्स क्या करेंगे, प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सो बेसिकली ये करते क्या है जनरली, दैट दे कट द रूट स्टेम एंड लीफ, फिर जो हमारा सेल का सैप होता है विच इज़ अ लिक्विड ऑफ द सेल, उसको पी लेते हैं फ्रॉम द वेरियस पार्ट, और जो स्टेम और फ्रूट होता है ना उसको भी खा जाते हैं। तो ये हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा क्रॉप के, और ये प्लांट हमारा रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा, मतलब एक बार एप्पल आया तो फिर दूसरी बार एप्पल आएगा ही नहीं। सो दिस इज़ हाउ इट्स बीन डन। तो अब डिसीज भी होते हैं, इनको हमें कंट्रोल भी करना होता है, तो बैक्टीरिया फंगाई वायरस ऐसे डिसीजेज भी होते हैं। सो वीड्स इंसेक्ट्स एंड डिसीजेस, इनको बहुत अलग अलग मेथड से हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो कौन सी है, तो हम एक काम कर सकते हैं, वीड्स के लिए वी कैन यूज वीडिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, फिर पेस्टिसाइड इज अ मेडिसिन राइट, फिर हम इंसेक्ट के लिए पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, और फंगस के लिए फंगीसाइड्स। सारे केमिकल्स है बहुत ही हार्मफुल है, लेकिन हमारे लिए कम हार्मफुल है, हम धोखे खाते हैं इसलिए सारी चीज़ें, ताकि हमें पेस्टिसाइड्स या फंगीसाइड्स ना जाए, और प्लांट पे ये छिड़क क्या हुआ जाता है। और ये प्लांट अगर आप मतलब ज़्यादा छिड़क दो तो प्लांट के लिए भी पॉइजनस बन सकता है ये पेस्टिसाइड या फंगीसाइड। सो हमें बहुत ध्यान से छिड़कना है ये चीज़। अब वीड को अगर कंट्रोल करना है ना, तो वीड को कंट्रोल करने के लिए आपके टिक्स बुक में ना बहुत ही कम मेथड्स दी हुई है, और ये क्वेश्चन हमेशा आती है कि आप वीड को कैसे कंट्रोल करोगे। तो पहले मैं टिक्स बुक का एक्सप्लेन कर देती हूँ। वीड विच आर अनवांटेड प्लांट, उसको आप मैकेनिकली रिमूव कर दो। अब मैकेनिकली कैसे करोगे, तो मैकेनिकली मतलब आपको पता है वो ज़मीन खोदने के लिए देर इज़ अ प्लॉ यूज़, सो आप उसको ले सकते हो राइट, और उसको रिमूव मतलब उससे रिमूव कर सकते हो। फिर प्रॉपर क्रॉपिंग का प्लांटेशन करो, मतलब इंटरक्रॉपिंग यूज़ कर सकते हो, तो वो आपको हेल्प कर देगा। फिर आप जो पेस्ट वगैरह होता है उसको रेजिस्ट करने के लिए जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हो, तो उससे भी मतलब वैसे ही वीडिसाइड्स यूज करो तो वीड मतलब रिमूव हो जाएगा। और समर प्लॉइंग, समर प्लॉइंग मतलब समर में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रिमूव किए जाते हैं, तो जो वीड्स और पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो आप वैसे भी कुछ काम कर सकते हैं। वैसे बहुत ही इसमें ब्रीफ में दिया है, आई विल एक्सप्लेन यू इट इन द डिटेल, जस्ट 1 मिनट। सो हियर यू कैन सी, फर्स्ट इज द मैकेनिकल मेथड, मेथड्स टू कंट्रोल वीड। हैंड होइंग, जैसे वो स्क्रैपर्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके वो खोदते हैं, तो उससे आप वीड निकाल लो। अपरूटिंग कर दो आप। दूसरा है ट्रॉवल, खुरपी होता है, खुरपी उसको कॉम जैसा, मतलब वीड उसमें से निकल जाता है, ऐसे होता है कॉम जैसा, तो ऐसे बीच में से ये जो जगह है ना उसमें से मेन प्लांट निकलेगा, वीड ये जो है वो वीड को निकाल के निकलेगा। सो ये मैकेनिकल मेथड हुई। दूसरा है कल्चरल मेथड, मैंने बोला आपको कि प्रॉपर बेड प्रिपरेशन, सोइंग टाइम, इंटरक्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन यूज कर सकते हैं हम। दूसरा है केमिकल मेथड, जैसे बोला 2,4-D, दिस इज अ पेस्टिसाइड, देन आप अल्ट्राजाइन यूज कर सकते हैं, दीज आर ऑल द वीडिसाइड्स। देन वी हैव आइसोप्रोट्रॉन, देन वी हैव फ्लूकोरलिन। सो ये सब नाम है वीडिसाइड के, आपको याद नहीं रखने हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। फिर आता है बायोलॉजिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल करेंगे,